नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। निषेधात्मक व्यादेश एवं समादेशात्मक व्यादेश में क्या अंतर है? निषेधात्मक व्यादेश यह किसी कार्य को करने से रोकने का आदेश होता है, प्रतिवादी को कोई कार्य करने से रोकने का आदेश, जबकि समादेशात्मक आदेश किसी प्रतिवादी को किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कहा जाता है। निषेधात्मक व्यादेश यह रिस्ट्रिक्टिव व्यादेश होता है, निर्बंधक व्यादेश होता है, जो किसी कार्य को निर्बंधित करता है, जबकि समादेशात्मक व्यादेश पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।